मेरा तो वो सब कुछ था। जब पांडा को लाई थी ना मैम, ऐसे इतना सा लेके आई थी मैं, जाने के बाद ना वो चार आदमी से नहीं उठ रहा था यार। आज नहीं आएगा वो, दिमाग से निकल नहीं रहा। भैया लोग टेंट लगा रहे, पैसा नहीं लेंगे ना आप। टुडे इज 18th of September। ठीक हो? अभी ठीक हूँ। मेरा बिल्कुल भी ऐसा कुछ सीन नहीं था बनाने का वीडियो, लेकिन मेरे कैमरामैन ने बोला कि वीडियो बनाओ, थोड़ा सा मन हल्का होगा और इंसानों से बात नहीं कर रही हूँ, एटलीस्ट कैमरे से बात कर लो, अच्छा लगेगा। तो पांडा के जाने के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है जो मैं बना रही हूँ। और हमेशा ऐसा होता था कि मैं यहीं पर खड़ा होकर इंट्रो लेती थी, अब पांडा पीछे से चल के आता था। आज नहीं आएगा वो, गणेश जी को लेने जाना है, उसी की तैयारी हो रही है बस। इन चार दिनों में ना मतलब यार समझ में ही नहीं आया कितना कुछ हो गया, दिमाग से निकल नहीं रहा चीजें। निकल जाएगा, कोई बात नहीं। ये देखो यूट्यूब का करनामा, ये बाबा मेरा पजामा यहाँ लेके आया है ये। और उसको ना पता नहीं क्यों चीजें काटने की बहुत ज्यादा चुनमची रहती है, काट देता है वो। तो अभी सब कुछ ठीक है और हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार, क्योंकि मेरा तो खैर मैं क्या ही बोलूं यार, लोग कह रहे हैं कि जाने दो, रोड पे इतने सारे डॉग्स मर जाते हैं, तो मर जाते हैं ना वो यार। रोड पे तो इंसान भी मर जाते हैं जिनके घर परिवार वाले नहीं होते हैं, या फिर जो लोग रोड पे रहते हैं जिनका घर बार रोड पे रहता है वो मर जाते हैं। तो क्या इंसान कोई शोक मनाता है क्या? उसका जो चीज अपनी होती है इंसान उसी के लिए ना यार केयर करता है, उसी के लिए बुरा मानता है वो चीज। मेरे पापा ने भी ये चीज मुझे समझाया था कि रोड पे मर जाते हैं तो कोई नहीं समझेगा यार, क्योंकि वो कुत्ता था ना यार। एक कुत्ता एक इंसान में फर्क होता है, लोगों के नजरिए की बात कर रही हूँ। मेरा तो यार मेरा तो वो सब कुछ था, जब मैं मेरे पास कुछ नहीं था तो मैं पांडा को लेके आई थी, और आज जब उसके वजह से इतना आगे बढ़ी मैं यार, वही नहीं है। पता है क्या, छोड़ो यार, कुछ बोलने को है नहीं। कोई नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को डिप्रेस करने नहीं आई हूँ, मैं वीडियो बस बनाने आई हूँ। आज अकेला अकेला लग रहा था तो वीडियो ऑन कर लिया, ऐसे बैठ बैठ के अकेले बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा। मैं नहीं चाहती कि अब ज़्यादा खुद की तबीयत मैं ख़राब करूँ। अभी मैं जा रही हूँ बाहर टेलर के पास से कुछ कुछ सामान लेना है, शाम को गणेश जी भी आएंगे। थोड़ा तो नाराज हूँ मैं गणेश जी से, थोड़ा नहीं बहुत नाराज हूँ, क्योंकि यार इतना सब कुछ कर रही थी, इतने खुशी खुशी कर रही थी, और सब कुछ करने से पहले भगवान ने इतना बड़ा झटका दे दिया, तो नाराज तो होंगे यार। मैं सही भी हूँ ना यार, यहाँ पे कमेंट करना, मैं सही भी हूँ ना, नाराज हूँ तो भगवान से थोड़ा ही नाराज हूँ यार, क्योंकि ज्यादा नाराज होके क्या करना है। एक और बच्चा भी है मेरे पास, घर भी है, सब कुछ है, बस पांडा खुश रहे यार जहाँ भी है। अब तो भी थोड़ी देर पहले मैंने बोला गणेश जी को लेने जाना है, तो अभी बहुत कुछ करना है, साफ सफाई सब करना है। पहले जाके मैं कपड़े लेके आती हूँ टेलर के पास से, फिर उसके बाद गणेश जी को लेने जाएंगे। मंगल वहाँ पे गाड़ी निकाल चुका है और ये मेरे साथ जाएगी। बाकी ये देखो सब सज रहा है अच्छे से, यहाँ पे भैया लोग टेंट लगा रहे हैं। सही होता है यार, पांडा होता तो क्या हुआ। ऐसे जाऊंगी मैं, चलो यार जैसे चलना है वैसे चलो, क्या दिक्कत है, चलो। चलो मांग लो अपना ब्लाउज, ब्लाउज दे दीजिए बेगम बादशाह जी। बेगम बादशाह नाम है इनका? हाँ बेगम बादशाह नाम है। वो देखो वो मेरा इसका ब्लाउज है और वो ऑरेंज वाला मेरा ब्लाउज है। क्या कह रही हो? बेगम बादशाह जी भूल गए थे कि हमने साड़ी भी ली थी, या फिर इन्होंने सोचा कि साड़ी रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, एक ये साड़ी, हाँ ये दोनों साड़ी हो गया, दोनों का फॉल लगाया। हाँ फॉल पीको हो गया, इसका भी फॉल पीको, दोनों का फॉल पीको है। चलो चलते हैं, पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है। पैसा नहीं लेंगे ना आप, हमारी मर्जी। अरे बाप रे, उनका मुंह पहले उतर गया पैसे ये ना आपको बहुत तरह ऐसा सब बात करती है, लेकिन मुंह पैसे नहीं, बिना पैसों के भी दे देंगे पक्का। चलो हाँ तो क्या। चलो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसका पता नहीं क्या ही कनेक्शन है बेगम बादशाह जी से। चाबी स्कूटी का ऐसा ले लियो तुम दो, रुको रुको, हाँ इसमें डाल दो, डालो। ये लड़की कुछ भी हाथ में लेके बैठना पसंद नहीं करती है। वो चाबी आज बाजार लगा है यहाँ पे,
हाँ क्योंकि आज तीज है, बिहार के जितने भी लोग हैं उनको पता होगा तीज क्या होता है। हम आए किसी और रास्ते से थे और अब देखो जा किसी और रास्ते से रहे। बीच में मैं चली गई थी गणेश जी को देखने के लिए, इसलिए हमारा जो आने जाने का रास्ता है वो चेंज हो गया। वे 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 वे। अभी तो जाती मैं, तो गंदा वाला गिर जाते। चलो चलो उतरो, इसको बोलना पड़ता है कि घर आ गया उतरो। चलो अब चलो चलते हैं अंदर, वहाँ पे आप देख सकते हो टेंट का काम हो रहा है, टेंट वाले भैया भी आ गए हैं, वो सब तो मंगल देख लेगा। मैं फिलहाल जा रही हूँ अंदर। मेरा बाबू, मेरा बेटा, ये गुस्से में है फिलहाल। अटो 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 अटो, घर में थोड़े से मेहमान आए हैं, उनको देख करके ये बहुत ज्यादा गुस्सा है। क्या हो गया? घुस जाओ, घुस जाओ। अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा जहाँ पे गणेश जी आएंगे उस एरिए को गोबर से लीपना है और प्लस बहुत सारे काम है, तो मैं जा रही हूँ फटाक से नहा के आने। मैंने नहा लिया और पूजा गणेश जी को लेने के लिए जाना था, तो मैं तैयार भी हो गई और अभी कपड़े थोड़ा चेंज करूंगी और उसके बाद जाऊंगी उनको लेने के लिए। वहाँ पे देखो मम्मी ने ना धोती को ऐसे कलर करके और रखा है, मतलब धोधा के रखा है, इससे हम गणेश जी को ढक के लाएंगे। ये वही दुपट्टा है जो लेने गई थी मैं कुछ टाइम पहले मार्केट में। ये दुपट्टा के अलावा मैंने ओरिजिनल फ्लावर्स भी अरेंज किए थे जिससे डेकोरेशन होता, सब कुछ होता, लेकिन अब थोड़ा हिम्मत नहीं बचा है यार। जितना कर पा रहे हैं ना, बहुत हिम्मत के साथ कर रही हूँ मैं। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि पांडा ने मेरे साथ गलत कर दिया। कभी कभी खैर छोड़ो। क्या कह रही हो? बोल रही कि खाना खाया पूजा दीदी आपने? कह रही है ये लड़की कि खाना खाते खाते, खाते मुझे नींद आ जाती है। हाँ। मुझे लगा कह रही है वीडियो नहीं बनाते हैं, नींद आती है पागल औरत। वैसे तो विद पांडे वाले व्लॉग में ये लड़की चाव से मोमोज का टेस्ट बता रही थी भापते भापते भापते, और उसके बाद अभी कह रही है कि खाते खाते वीडियो नहीं बनाते। ये लड़की फटाफट से खाना खा रही है क्योंकि खाना खाने के बाद हम जाएंगे गणेश जी को लेने। वहाँ पे देखो वो टेंट दिख रहा है ना, बस हो चुका है, वहीं पे हम लोग गणेश जी को रखेंगे। मैं ना काफी देर से यहीं बैठी हूँ, उधर देख रही हूँ, कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा यार। बहुत अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं शायद दुनिया की ऐसी इकलौती मनहूस लड़की हूँ जो जिसके साथ ऐसा हुआ है। कितना कुछ सोचा था यार। सब कह रहे हैं ना कि एक पांडा लाएंगे तो तुम्हारा फिर से सब ठीक हो जाएगा। जब पांडा को लाई थी ना मैं ऐसे कपड़े में छिपा के लाई थी, इतना सा लेके आई थी मैं, एक हाथ में आ जाता था। जाने के बाद ना वो चार आदमी से नहीं उठ रहा था यार। सोचो इतना करने के बाद कहते हैं सब लोग कि नया लाएंगे, मैं